बिजली और रोड समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। वारसोई अनुमंडल क्षेत्र के कदबा दो के निस्ता पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में विद्युत का काम पूरा होने के बावजूद 6 महीने पूर्व पूरा हो चुका है, फिर भी अभी तक ग्रामीणों को लाइट नहीं मिली। वार्ड नंबर 7 और 8 में विद्युत का काम अधूरा है। जो भी ठेकेदार की बिचौलियाँ हैं वह ग्रामीण वार्ड नंबर 8 और 7 कई वार्डों में अवैध वसूली लाइन के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। एपीएल मीटर पर 500 और 1000 रुपये अवैध वसूली कर मीटर लगाते हैं और इसी वजह से ग्रामीणों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक लाइट और रोड का काम पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विद्युतीकरण सीधे चालू करो, चालू करो, विद्युतीकरण सीधे चालू करो, चालू करो, विद्युतीकरण सीधे चालू करो, चालू करो, इंकलाब जिंदाबाद, बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, विद्युतीकरण सीधे चालू करो, चालू करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बिहार सरकार हाय हाय। वार्ड नंबर 7-8 में विद्युतीकरण चालू करो, चालू करो, वार्ड नंबर 7-8 में विद्युतीकरण चालू करो, चालू करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक दो आराम से हल्ला गुलाम उसके लिए सर बोला जाए। बिहार सरकार हर घर में बिजली को लगातार देने का वादा करती है, लेकिन आज यहाँ पे कदवा प्रखंड के निस्ता पंचायत की जनता, खास करके वार्ड नंबर 1, 3, 7, 8 लगातार परेशान है कि उन लोगों को पोल तो दे दिया गया है, आधा अधूरा विद्युतीकरण हुआ है लेकिन बिजली चालू नहीं हुआ है। तो हमारी मांग बिजली विभाग से और बिहार सरकार से यही है कि इन लोगों का कष्ट को देखते हुए, चूँकि बिजली नहीं रहने की वजह से, बिजली हमारे जनता का मूलभूत सुविधा में से है, बिजली नहीं रहने की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है, लोग अंधकार में डिप्टी युग में जी रहे हैं यहाँ की जनता, और हम जिला प्रशासन से ये मांग करेंगे, बिजली विभाग से खासकर मांग करेंगे कि यहाँ जो जल्द से जल्द विद्युतीकरण को पूरा किया जाए और यहाँ पर बिजली को बहाल किया जाए और बिजली चालू किया जाए। जो रोड समस्या है, रोड समस्या के बारे में क्या कहना है? देखिए, मैंने देखा अभी मैं आया यहाँ से, रोड का काफ़ी समस्या है, रोड काफ़ी जर्जर है यहाँ, तो आदमी तो दूर की बात, जानवर को भी चलने में हमको लगता है कि कष्ट हो रहा होगा ऐसे रोड में। तो सरकार का योजना है हर घर जल और हर नली पक्कीकरण, तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी कोई भी वार्ड में जो है सुचारू रूप से ढंग से काम हो रहा है। पंचायत का सारा योजना जो है खासकर निस्ता पंचायत में फिसड्डी साबित हो रहा है, तो सरकार से हम यही मांग करेंगे और कि यहाँ पर जो है जो हर घर नली को पक्कीकरण का योजना है उसको धरातल पे उतारे और जो जिस भी वार्ड में यहाँ पर इस निस्ता पंचायत में रोड नहीं बना है, नली गली पक्कीकरण नहीं हुआ है, इसको सिद्ध पक्कीकरण किया जाए, नहीं तो हमारी आम आदमी पार्टी बहुत जल्द बिजली इसकी समस्या को लेकर और सड़क की समस्या को लेकर के सड़क पर उतर करके आंदोलन करेगी और इसके लिए जिला प्रशासन ही जिम्मेदार होंगे।